आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ITR भरने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए खुशखबरी, पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड करने पर मिलेगा कैशबैक। क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा बाइक खरीदने का कर रहे प्लान तो लग सकता है बड़ा झटका, अगले महीने से बढ़ेंगे इस कंपनी के दो पहिया वाहनों के दाम। क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाता को खुली बड़ी खबर, 30 जून तक पूरा नहीं किया ये काम तो जुलाई से लगेगा ₹1000 का जुर्माना। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा खेती किसानी के लिए बड़ी खबर, 12 लाख छोटे किसानों को मुफ्त में बीज देगी सरकार। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके अपडेट्स में, साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से राज्य में प्लास्टिक पर लगेगा बैन। राजस्थान को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल सरकार ने राजकीय कार्यालयों में आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं को बैन यहाँ पर कर दिया है। दरअसल जिन चीजों को राजस्थान में प्रतिबंधित किया गया उनमें प्लास्टिक से बने जो कैरी बैग है वो, और इसके अलावा प्लास्टिक और थर्माकोल से बने सामान, डिस्पोजल कैटलरी जैसे कटोरे और ट्रे, और इसके अलावा प्लास्टिक चम्मच जैसे चीजें शामिल है। सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि प्लास्टिक कैरी बैग और डिस्पोजल से इंसान के शरीर में यहाँ पर खतरनाक रासायन पदार्थ पहुँचते हैं। दरअसल प्लास्टिक और यहाँ पर जो प्लास्टिक है वो यहाँ पर गर्मी और धूप में पिघलती है, जिससे यहाँ पर उसके अंदर का जो केमिकल है वो भी पिघलता है, और इसलिए जब हम उससे बनी चीज़ों में यहाँ पर खाना खाते हैं या फिर चाय वगैरह पीते हैं तो वो केमिकल हमारे यहाँ पर शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे कैंसर जैसी जो बीमारियाँ हैं वो हो सकती है। यही नहीं, प्लास्टिक से बने खिलौनों में शीशे और इसके अलावा यहाँ पर आर्सेनिक का भी उपयोग होता है, जिससे जहरीले होते हैं जो कि बच्चों को यहाँ पर नुकसान पहुँचाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक गलता नहीं है, इसलिए अगर इसे पशु खा लेते हैं तो उसके लिए भी ये जानलेवा हो जाता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो ITR भरने के लिए खुल गया है इनकम टैक्स विभाग का पोर्टल, 31 जुलाई तक है लास्ट डेट। असेसमेंट ईयर 2022 से इसके लिए आयकर दाता ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके टैक्स पेयर से ITR भरने का अनुरोध किया है। वही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए किसी भी आम व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है। वही ऐसे बिजनेसमैन जिसको यहाँ पर ऑडिट, यहाँ पर ऐसा बिजनेस जिनकी यहाँ पर ऑडिट की जो आवश्यकता है वो होती है, इसके लिए आयकर रिटर्न की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2022 है। अगर किसी टैक्सपेयर्स ने कोई यहाँ पर स्पेसिफाइड विदेशी या फिर घरेलू ट्रांजेक्शन किए हैं तो वह 30 नवंबर 2022 तक जो अपना ITR है उसे फाइल कर सकते हैं। इस साल टैक्स फाइलिंग सिस्टम में बहुत से बदलाव किए गए हैं। उदाहरण के लिए इस बार आयकर विभाग करदाताओं से ये भी पूछ रहा है कि क्या वह पिछले साल के ही टैक्स व्यवस्था के अनुसार टैक्स देना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं। वही फाइलिंग पोर्टल पर ITR भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16 और बैंक अकाउंट की डिटेल और प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्य इनकम फ्लो भी होने चाहिए। यही नहीं, ITR फाइल करने के लिए पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का प्रहार, 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक राजधानी में मीडियम और हैवी वाहनों की एंट्री होगी बंद। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने यह फैसला सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले पॉल्यूशन को देखते हुए लिया है। दरअसल अक्टूबर नवंबर से दिल्ली की जनता को गर्मी और उमस से हल्की राहत मिलने लगती है और मौसम का मिजाज जो है वो सर्द उधर चला जाता है। सर्दियों के ये दिन दिल्ली को ठंडक तो पहुंचाते ही है, लेकिन इस दौरान दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ती है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने पहले ही एहतियात कदम उठाना शुरू कर दिया है ताकि जाड़ों में यहाँ पर प्रदूषण को फैलने से रोका जा सके। इसी काव्यात में दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक के लिए राजधानी में हैवी और मध्यम गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। दरअसल सर्दियों के मौसम में दिल्ली के आसपास के राज्यों में जलाई जाने वाली पराली और भारी वाहनों की वजह से दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है काफी मात्रा में यहाँ पर बढ़ जाता है, यानी जो प्रदूषण है काफी गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। इतनी हालत खराब हो जाती है कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है, इसलिए दिल्ली सरकार ने यह बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है।
बात करते हैं अगली खबर की। तो HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को दी है बड़ी सुविधा, बिना कोई चार्ज काटे खाते में मिलेंगे पूरे पैसे। HDFC बैंक ने ट्रेड और रिटेल ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा जो है वो शुरू की है। इस नई सर्विस का नाम फुल वैल्यू ओवरराइड रिमाइंडर्स है। दरअसल इसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग के एक्सचेंज पर बैंक की तरफ से कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं काटा जाएगा। हालांकि यह सुविधा तब के लिए है जब कोई ग्राहक विदेश में पैसा यहाँ पर भेजता है और बैंक चार्ज पर छूट की ये जो नई सर्विस है वो आउटवर्ड रिमाइंडर्स के लिए है। वही विदेश में अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर डॉलर या यूरो या फिर पाउंड के पैसा यहाँ पर भेजा जाएगा तो HDFC बैंक उसे अपना उसके अंदर कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं काटेगा। इसे फॉरेन बैंक चार्ज यहाँ पर कहा जाता है। इस सर्विस से उन लोगों को फायदा होगा जो अमेरिकी स्टॉक या फिर किसी विदेशी स्टॉक में निवेश करते हैं। दरअसल अमेरिकी स्टॉक खरीदने से पहले निवेशकों को अपने रुपए से डॉलर यहाँ पर रुपए पैसे उसे यहाँ पर डॉलर खरीदना होता है। ये खरीदारी रिजर्व बैंक द्वारा यहाँ पर बनाई गई LRS में यहाँ पर तय लिमिट के मुताबिक की जाती है। मौजूदा LRS नियम के मुताबिक भारत में कोई नागरिक जिसमें नाबालिग भी शामिल है एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का रिमाइंडर्स कर सकता है। अगर डॉलर का यहाँ पर मौजूदा रेट देखें तो 78 रुपये के हिसाब से यह रकम यहाँ पर होती है, यानी 78 रुपये के हिसाब से यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपये होती है, यानी 1.55 करोड़ के बराबर की राशि है वो विदेश यहाँ पर भेज सकता है। आयकर विभाग ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए स्रोत पर कर कटौती से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है उसके लिए TDS को डिस्क्लोजर मानदंडों को सूचना यहाँ पर किया है। दरअसल 1 जुलाई 2022 से अगले महीने से ही यहाँ पर IT अधिनियम की नई धारा 194S के तहत क्रिप्टो संपत्ति पर 1 साल में 10,000 रुपये से ज्यादा के किसी लेन देन पर 1% TDS यहाँ पर लगाया जाएगा। दरअसल IT विभाग के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने फॉर्म 26QE और फॉर्म 16E में यहाँ पर TDS रिटर्न दाखिल करने से संबंधित नियमों में बदलाव की सूचना यहाँ पर दी। दरअसल CBDT ने स्पष्ट किया है कि धारा 194S के तहत एकत्रित किए गए TDS को कटौती किए जाने वाले महीने के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो बाइक खरीदने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। बाइक खरीदने के कर रहे हैं प्लान तो लग सकता है बड़ा झटका। 1 जुलाई से बढ़ेंगे हीरो के दोपहिया वाहनों के दाम। बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों को झटका लग सकता है। दरअसल हीरो मोटरकॉर्प ने 1 जुलाई से अपने दोपहिया वाहनों के दामों को बढ़ाने का ऐलान किया है। दरअसल कंपनी ने कहा है कि आगामी महीनों से कंपनी अपने मोटरसाइकिल और स्कूटर्स के दामों में 3,000 रुपये तक का इजाफा करेगी। ये इजाफा कंपनी बढ़ती महंगाई और लागत के चलते यहाँ पर कर रही है। कंपनी का कहना है कि वाहनों के मॉडल के आधार पर जो रेट्स है वो तय होंगे, कौन से वाहन कितने मॉडल पर यहाँ पर कितने दाम में बढ़ाए जाएंगे ये सब यहाँ पर उन्होंने बात कही। यानी ये तय होगा कि कौन से वाहन के मॉडल पर कितने दाम बढ़ाए जाएंगे। दरअसल PTI की खबर के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि इन दामों में बढ़ोतरी के पीछे का कारण महंगाई और कमोडिटी की बढ़ती कीमतें हैं। इससे यहाँ पर TVS ने भी अपने दोपहिया वाहनों की कीमतों में इजाफा किया था। वही कंपनी ने दाम बढ़ाने के पीछे बढ़ती महंगाई का हवाला दिया है। इससे वाहन बनाने में जो लागत है उसमें इजाफा दर्ज किया गया, इसलिए कंपनी ये कदम उठा रही है। दरअसल देश की दोपहिया वाहन बाजार में हीरो मोटरकॉर्प जो है सबसे बड़े यहाँ पर रेंज है। वही कंपनी एंट्री लेवल बाइक सेगमेंट में अच्छी यहाँ पर दखल रखती है। वही हीरो की एंट्री लेवल की सबसे सस्ती बाइक HF 100 की कीमत यहाँ पर 51,000 रुपये शुरू होती है, जबकि यहाँ पर X+200 4B की कीमत 1,32,000 रुपये तक जाती है। ये बाइक दिल्ली में मौजूद एक्स शोरूम प्राइस है। बात करते हैं अगली खबर की। तो झारखंड के 10 लाख किसानों पर मेहरबान हुई है हेमंत सरकार, बांटे हैं 400 करोड़ का KCC लोन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 10 लाख किसानों को KCC का लोन देने का लक्ष्य निर्धारित यहां पर किया। दरअसल इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से लातेहार स्टेडियम में बिरसा किसान सम्मेलन समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कठुआ और बालूम और लातेहार के किसानों के बीच KCC लोन का वितरण यहाँ पर किया। वहीं इन जिलों में 52,000 किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड का लोन वितरित करने की घोषणा की गई, जबकि राज्य के 250 प्रखंड में आज के दिन यहाँ पर KCC वितरण को लेकर मेगा कैंप यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें 400 करोड़ रुपए का KCC लोन किसानों के बीच वितरित किया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से वोडाफोन आईडिया को मिली है राहत। फाइनेंशियल 2018-19 का बकाया चुकाने के लिए मिला है 4 साल का मोमेंटम। शेयर बाजार में कई तरह की खबरें आती रहती है, खबरों के लिए जिससे कंपनी के शेयर में एक्शन देखने को मिलता है। SI में यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के शेयर है उसमें यहाँ पर हलचल देखने को मिल सकती है। दरअसल दूरसंचार विभाग ने
कंपनी को अतिरिक्त राहत यहाँ पर दी है। दरअसल वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बकाए को चुकाने के लिए कंपनी को 4 साल का यहाँ पर मॉरेटोरियम का वक्त यहाँ पर मिल गया है। बता दें आपको कि साल 2014 में दूसरा विभाग ने वित्त वर्ष 2016-17 तक के लिए बकाए के लिए 4 साल का समय यहाँ पर दिया था। वह कंपनी को 15 जून को दूरसंचार विभाग से पत्र मिला था। इस पत्र में दूरसंचार विभाग को बताया कि कंपनी के ऊपर 8,837 करोड़ रुपए का बकाया है। वही 22 जून को हुई बैठक में कंपनी ने मोरेटोरियम का विकल्प यहाँ पर चुना। इस दौरान यहाँ पर कंपनी को 4 साल के और यहाँ पर 4 साल का समय और मिल गया है। वही अपना वित्त वर्ष 2018-19 का बकाया चुकाने के लिए यहाँ पर 31 मार्च 2026 के बाद का यहाँ पर इक्वल किस्त में कंपनी जो है वो यहाँ पर इस बकाये का भुगतान यहाँ पर करेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो 30 जून तक पूरा नहीं किया ये काम तो जुलाई में लगेगा 1,000 रुपए का जुर्माना। बीते वित्त वर्ष का एटीआर भरने की डेट भी आ चुकी है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो बड़े जुर्माने से बचने के लिए तैयार रहिए। दरअसल सरकार ने यहाँ पर 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम समय यहाँ पर तय की है। दरअसल पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का वास्तविक समय 31 मार्च 2022 था। इसे अवधि के बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक कराने वालों को 500 रुपये जुर्माना यहाँ पर लिया जा रहा है। यानी अगर आप अभी यहाँ पर 30 जून से पहले पहले अगर आप अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से अगर आप लिंक करा देते हैं तो आपको 500 रुपये ही देने पड़ेंगे। अगर 30 जून के बाद अगर आप इसे करवाते हैं तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यानी जुर्माने की राशि 1 जुलाई से जो है वो दुगनी यहाँ पर बढ़ जाएगी। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पिछले दिनों जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि जिन करदाताओं ने अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है वो 30 जून तक 500 रुपये देकर यहाँ पर अपना जो जुर्माना है वो भरकर ये काम पूरा करा सकते हैं। वही जुलाई से 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यानी आपके पास वैसे तो काम पूरा करने के लिए अगले साल मार्च तक का समय है लेकिन इसके लिए जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, चेक पेमेंट से एक दिन पहले बैंक को देनी होगी ये जानकारी। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारक हैं तो आपके लिए एक बहुत ही जरूरी खबर। दरअसल बैंक ने अपने जो नियम है उसमें कुछ बदलाव यहाँ पर किए। दरअसल पीएनबी ने अपने ग्राहकों को कहा कि उन्हें बड़े चेक को क्लियर करने से कम एक दिन पहले यहाँ पर बैंक को इसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। दरअसल ग्राहकों को चेक के क्लियरेंस से जुड़ी धोखाधड़ी से बचाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने यह सलाह यहाँ पर जारी की है। दरअसल बैंक के ग्राहकों को चेक के भुगतानों से पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत यह जानकारी शेयर यहाँ पर करना होगा। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने इस संबंध में यहाँ पर पॉजिटिव पे सिस्टम तैयार यहाँ पर किया था। यानी पॉजिटिव पे सिस्टम की तैयारी यहाँ पर की थी। इसके तहत यहाँ पर एक उच्च मूल्य का चेक यहाँ पर जारी करने वाले ग्राहकों को चेक के नंबर, चेक राशि और तिथि और लाभार्थी के नाम की फिर से यहाँ पर पुष्टि करनी होती है। पंजाब नेशनल बैंक खाताधारक के लिए एक और बड़ी खबर देखिए, पीएनबी क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए खुशखबरी, पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड करने पर मिलेगा कैशबैक। देश का दूसरा सबसे बड़ा पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी अपने ग्राहकों को समय समय पर कई तरह के ऑफर यहाँ पर देता रहता है जिससे कस्टमर को फायदा यहाँ पर होता है। अगर आप भी पीएनबी के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं तो ये खबर आपके लिए काम की खबर। दरअसल पीएनबी ने अपने ग्राहकों को स्पेशल लाभ देने के लिए डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम से करार यहाँ पर किया है। इसके बाद ग्राहकों को पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड करने पर कैशबैक का लाभ यहाँ पर मिलेगा। अगर आप भी पेटीएम के जरिए डिजिटल पेमेंट करना पसंद करते हैं तो शानदार ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि पंजाब नेशनल बैंक ने जो ट्वीट किया उसके बारे में आपको बताते हैं कि पीएनबी ने इस ऑफर के बारे में ट्वीट करके जानकारी देते हुए बताया कि पीएनबी और पेटीएम ने मिलकर एक शानदार ऑफर पेश किया है। इस ऑफर में पीएनबी क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको 2% का जो कैशबैक है उसका लाभ मिलेगा। यह कैशबैक का लाभ 150 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक का पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड करने पर कैशबैक की सुविधा इसमें यहाँ पर मिलेगी। ऑफर 30 जून 2022 तक वैलिड है। बैंकिंग न्यूज को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए, फेडरल बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने एफडी की रेट्स में की है बढ़ोतरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 2 महीनों में करीब 2 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद सभी बैंकों ने अपने लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और कार और होम लोन ग्राहकों के लिए महंगा हो गया है। इसके साथ ही बैंक ने रेपो रेट में बढ़ोतरी के साथ सेविंग बैंक खाते और फिक्स डिपॉजिट खाते में भी यहाँ पर ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद ही लगातार सभी प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर के जो बैंक है वो अपने एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस कड़ी में प्राइवेट सेक्टर के बैंक फेडरल बैंक ने भी अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला यहाँ पर किया है। बैंक ने
अलग अलग अवधि की ब्याज दरों में बदलाव करने का फैसला किया। बैंक ने 7 दिन से 29 दिन की एफडी पर 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, वही 180 दिन से लेकर 270 दिन की एफडी पर यहां पर 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, वही एक साल के टर्म डिपॉजिट पर बैंक ने 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। साथ ही बैंक अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को आम लोगों से करीब 0.50% ज्यादा ब्याज यहाँ पर दे रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, ट्विटर पर कई यूजर्स को जारी हुआ है एडिट बटन, काफी समय से लोगों को था इंतजार। ट्विटर एडिट बटन पर काफी समय से ट्विटर जो है वो काम कर रहा था, इस फीचर को लेकर ट्विटर यूजर्स ने मांग की थी कि यहाँ पर यूजर्स ने यहाँ पर इस ट्विटर एडिट बटन के लिए मांग यहाँ पर की। तब एक नई रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर जो एडिट बटन है उस फीचर को सिलेक्टेड यूजर्स के लिए यहाँ पर जारी किया जा रहा है। आपको बता दें कि एडिट बटन को यहाँ पर स्पेसिफिक केस में ही यूज यहाँ पर किया जा सकता है। दरअसल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक नया यहाँ पर एब्यूसिव लैंग्वेज फिल्टर यहाँ पर जारी कर रहा है, इससे यूजर्स के एब्यूसिव ट्वीट को डिलीट करने की जगह उसे एडिट यहाँ पर जो यूजर्स है वो कर पाएंगे। ये फीचर यूजर्स को ट्वीट पोस्ट करने से पहले उसमें यहाँ पर एब्यूसिव लैंग्वेज को एडिट करने के लिए कहेगा, यानी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ट्वीट पोस्ट करने से पहले यहाँ पर एब्यूसिव वेडर्स पर नजर रखेगा। इस वजह से जब कोई यूजर्स एब्यूसिव रिमार्क वाले ट्वीट को पोस्ट करना चाहेगा तो उसे एडिट ट्वीट और डिलीट ट्वीट और पोस्ट ट्वीट के तीन ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे। अगर इसके अलावा यूजर्स को अगर इसप्ले से अगर वो अगर नहीं करते हैं तो उसके पास इसको लेकर यहाँ पर फीडबैक शेयर करने का भी ऑप्शन इसमें मिलेगा।